दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप मोबाइल स्क्रीन पर आने वाले एड्स अर्थात विज्ञापन को बंद कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो। तो अक्सर ऐसा होता है कि आप गूगल या फिर यूट्यूब पे जाके कुछ सर्च करते हो, कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो और उसी का एड्स आपको हर जगह दिखाई देने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप यूट्यूब या फिर गूगल पे जाकर के मोबाइल सर्च करते हो तो आपको मोबाइल के ही एड्स हर जगह दिखाई देते हैं, वेबसाइट्स पे और ऐप्स में। वैसे इन ऐप्स के कमाने का जरिया होता है एड्स, अर्थात वो एड्स दिखा के पैसे कमाते हैं। एक दूसरा तरीका भी होता है, ऐप्स आपको सब्सक्रिप्शन बेचते हैं, अर्थात प्रो वर्जन परचेज करने के लिए बोलते हैं ताकि आप एड फ्री उस ऐप को यूज़ कर सको। तो अगर आप अपने मोबाइल में एड्स को ब्लॉक करना चाहते हो, बंद करना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं आपको तीन तरीके बताऊँगा। तीनों ही तरीके काम करेंगे, लेकिन जो तीसरा तरीका होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उससे डेफिनेटली आपके मोबाइल में जो आने वाले एड्स होते हैं, अर्थात वीडियो एड्स वगैरह, वो सब बंद हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट और तीसरा तरीका है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो आप ज़रूर से लास्ट तक देखें, बिना स्किप किए देखें, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो ज़्यादातर लोग क्रोम ब्राउज़र को ही यूज़ करते हैं गूगल सर्च के लिए। तो क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में आपको थ्री डॉट दिखाई देता है, इस पर टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग पे टैप करना है। सेटिंग पे टैप करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको एक साइड सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर सेलेक्ट कर लेना है। इस पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट्स, इस पर सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको इसे ऑन कर देना है। उसके बाद आपको बैक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको क्रोम में ही एड्स का एक ऑप्शन दिखेगा, पॉपअप एंड रिडायरेक्ट्स के नीचे। एड्स के ऊपर भी टैप करना है और यहाँ पे आपको ब्लॉक एड्स का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली यहाँ से आपको इसे ऑन कर देना है। तो ये पहला काम आपको क्रोम ब्राउज़र के सेटिंग में जाके करना है, क्रोम ब्राउज़र से बाहर आ जाना है। अब मैं आपको दूसरा सेटिंग बता रहा, इसके लिए आपको अपने मोबाइल का सेटिंग ओपन करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको गूगल का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली गूगल पे टैप करना है। गूगल पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको एक एड्स का ऑप्शन दिखेगा, एड्स पे टैप करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मोबाइल में एक एडवर्टाइजिंग आईडी बना होता है, तो इसी एडवर्टाइजिंग आईडी को यूज़ किया जाता है आपको एड दिखाने के लिए। यहाँ से आप एडवर्टाइजिंग आईडी को रीसेट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। रीसेट और डिलीट करने से पहले यहाँ पे आपको एक और चीज़ करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले बाहर आ जाना है। मैं जो आपको स्टेप्स बता रहा उसी को फॉलो करना है। तो पहले यहाँ पे आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट, इस पे टैप करना है। मैनेज योर गूगल अकाउंट पे टैप करने के बाद आपको इधर स्वाइप करना है और यहाँ पे आपको डेटा एंड प्राइवेसी दिखेगा, इस पे टैप कर देना है। डेटा एंड प्राइवेसी पे टैप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने गूगल अकाउंट ओपन किया हुआ है, जो कि मेरे इस फोन में साइन इन किया हुआ है। तो गूगल अकाउंट पे मेरा सारा डेटा सेव होता है, जो भी मैं वेब में अर्थात वेबसाइट पे सर्च करता हूँ, अर्थात गूगल पे सर्च करता हूँ। इसके अलावा मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ, मेरा लोकेशन हिस्ट्री भी गूगल के पास है, गूगल अकाउंट में स्टोर है। और तो और यूट्यूब पे क्या मैं सर्च करता हूँ वो भी मेरा हिस्ट्री है, अर्थात क्या वॉच करता हूँ, क्या सर्च करता हूँ, वो सारा हिस्ट्री यहाँ पे सेव हो रहा है, ये ऑन किया हुआ है। और इसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे माई एड सेंटर का ऑप्शन दिखता है। अगर आप इस पर टैप करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है कि इन तीनों के बेसिस पे मुझे एड्स रिकमेंड किया जाते हैं, वेब एंड ऐप एक्टिविटी, यूट्यूब हिस्ट्री और मेरे एरिया के बेसिस पे, क्योंकि मैंने गूगल मैप का लोकेशन हिस्ट्री ऑन कर दिया है। तो इन्हीं डेटा के बेसिस पे मुझे पर्सनलाइज्ड एड सजेस्ट किया जा रहा है। तो सिंपली यहाँ पे आपको इसे ऑफ कर देना है, इस पे टैप करके। गॉट इट, ऑफ हो चुका है। अब यहाँ से आपको बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद अब यहाँ पे चाहो तो आप अपना वेब एंड ऐप एक्टिविटी, लोकेशन हिस्ट्री और यूट्यूब हिस्ट्री भी ऑफ कर सकते हो, ताकि गूगल भी स्टोर ना करे कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, क्या यूट्यूब पे वॉच कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको इसे ऑफ कर देना है। ओके ओके, यहाँ से आपको फिर से बैक कर लेना है। देख सकते हो ये पॉज हो चुका है। सेम आपको लोकेशन हिस्ट्री भी पॉज कर देना है। यहाँ पे टर्न ऑफ पे टैप करना है, ओके पे टैप करना है, यहाँ से अगेन ओके पे टैप करना है, बैक कर लेना है, ये भी पॉज हो चुका है। YouTube हिस्ट्री भी मैं सेव नहीं करना चाहता, इसी के बेसिस पे मुझे ऐड रिकमेंड किए जाते हैं, इसे भी मैं ऑफ करके ओके कर देता हूँ। तो देख सकते हो मैंने तीनों हिस्ट्री को, एक्टिविटी को ऑफ कर दिया।
अब गूगल कोई भी मेरा डेटा सेव नहीं करेगा और उसके बेसिस पे मुझे ऐड रिकमेंड नहीं करेगा, अर्थात मुझे कम एड्स दिखाई देंगे। ये हो गया दूसरा सेटिंग। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको बाहर आ जाना है इससे और एड्स पे टैप करना है। आप चाहो तो एडवर्टाइजिंग आईडी को रीसेट कर सकते हो, एडवर्टाइजिंग आईडी को डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट करने से ये नहीं होगा कि आपका कम्प्लीटली ऐड आना बंद हो जाएगा। आगे जो तीसरा सेटिंग बताऊंगा उससे आपका ऐड लगभग बंद हो जाएगा। आईडी को डिलीट करने से बस ये होगा कि जो मुझे पुराने एड्स आ रहे थे वो आने बंद हो जाएंगे, कम्प्लीटली न्यू एड्स शो होंगे। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दिया। अब बात करते हैं वो तरीका जिससे कि लगभग एड्स आने बंद हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको सिंपली अपने मोबाइल में सेटिंग ऐप ओपन कर लेना है। तो ये मैं तीसरा सेटिंग बता रहा और सबसे इम्पॉर्टेंट सेटिंग बता रहा। तो सेटिंग ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च में जा करके सर्च करना है DNS या फिर प्राइवेट DNS, इन दोनों में से कोई एक कीवर्ड यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। DNS या फिर प्राइवेट DNS सर्च करने के बाद आपको ये सेटिंग दिखेगा, इस पर टैप करना है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो ये मेरा ऑफ किया हुआ है। यहाँ पे आपको प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम ये दिखेगा, इस पर टैप करना है। और यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, इस टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करना है dns.addguard.com। तो आपको एग्जैक्टली यही टाइप करना है, आप इसे नोट डाउन करके रख सकते हो। बिना स्पेस दिए आपको सेम टू सेम टाइप कर देना है और यहाँ पे सेव कर देना है। इसको करने के बाद आप नोटिस करोगे कि जिस ऐप में आपको वीडियो एड्स दिखाई दे रहे थे वो आपको कम दिखाई देंगे या फिर ना के बराबर दिखाई देंगे।